सीतापुर में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज के निर्देश पर सिधौली एसडीएम संतोष राय की अगुवाई में स्वास्थ्य विभाग की टीम गठित कर अवैध रूप से चल रहे क्लिनिक और झोला छाप डॉक्टरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। गोंदला मऊ सीएचसी अधीक्षक धीरज मिश्रा ने दो अवैध चल रही क्लिनिकों को सील कर उनके संचालकों पर संबंधित कार्रवाई की है, लेकिन सीएचसी सिधौली व सीएचसी कसमंडा अधीक्षकों के नाक के नीचे कई अवैध क्लिनिक व झोला छाप डॉक्टर दवाइयों का व्यापार कर रहे हैं, जिनके लिए सीएचसी अधीक्षक जानकर भी अनजान बने हुए बैठे हैं। लगता है कि उनको वे ही शरण दिए हैं, क्योंकि यह सब झोला छाप डॉक्टर ना तो कोविड-19 महामारी संबंधी किसी नियम का पालन करते हैं, मास्क भी नहीं लगाकर बैठते हैं क्लिनिक पर। कोई कोई झोला छाप डॉक्टर तो अधीक्षक की जानकारी होने की भी बात कह जाते हैं। डॉक्टरों में बंदरिया चौराहे पर एम के बंगाली सहित हर चौराहे पर बंगाली डॉक्टर अपनी दुकान अपनी क्लिनिक सजाए हुए बैठे हैं।